विज्ञान को हमने दरकरार करके सिर्फ राजनीति करना शुरू किया है। और इन सब स्ट्रक्चरों में अब अगर करोड़ों रुपया इन्होंने स्ट्रक्चरिंग इन स्ट्रक्चरों के लिए फिर से विदेशों से लोन लेना है, जो मुझे शक है कि तटबंधीकरण के नाम पर विदेशों से फिर लोन लिया जाएगा, उसमें बधेरे लोगों का फायदा है, नेताओं का, ठेकेदारों का, अफसरों का। क्योंकि नदी तो भाई नियंत्रित नहीं हो सकती, ये नदी को नियंत्रित करना छोड़ो, बार बार कह रहे हम, यू कैन नॉट टेम द रिवर, आप उसके लिए जगह खुली छोड़ो, परंतु आपके स्ट्रक्चर और ढांचे उसके लिए क्या इंजीनियरिंग हो सकती है उस पर बात करो अच्छे। हम अभी कुंदन सब्जी मंडी बंजार में बैठे हैं और जो हमारे पीछे दिख रहा है आपको तीर्थन नदी है सामने, और तीर्थन नदी ने मैंने पहले भी यहाँ फ्लड देखा है, इससे ज़्यादा पानी तीर्थन नदी में पहले आ चुका है, ऐसा बात नहीं है, पुराने मार्क भी होते हैं दिख जाते हैं, परंतु इस बार तीर्थन नदी ने यहाँ नुकसान किया उसका जायज़ा लेना चाहिए। ये जो पहले तो ये तटबंधीकरण कर दिए यहाँ, क्योंकि सब्जी मंडी जो प्राणी नर्सरी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसको सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया, और सब्जी मंडी को बचाने के लिए इन्होंने ये तटबंध जो है ब्रेस्ट वॉल यहाँ लगाई, एक पूरी RCC की कंक्रीट वॉल लगाई। और अभी हुआ क्या कि वॉल का जो इस दीवार का उपला कोने से दीवार टूटी और पानी जो है दीवार के अंदर पैरेलल दो रिवर्स बन गए थे यहाँ, एक पुरान जो नदी वहाँ दिख रही है, एक जो बीच में से ये नदी बन गई और सारा मलबा यहाँ का बहा के ले गए। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ये तो थोड़ा इलाका गया सब्जी मंडी का, और जो सब्जी मंडी के शेड पीछे थे बच गए, परंतु यहाँ इसके इमीडिएट पीछे देखिए ये जल शक्ति विभाग वालों ने एक बहुत बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है यहाँ से शुरू कर दी थी, निर्माण तकरीबन पूरा होने वाला था, और यहाँ इन्होंने कहा कि हमने नई टेक्नोलॉजी से जो है पानी उठाने का जो है तरीका अपनाया है, परकुलेशन टैंक बनाया नदी के अंदर, उसके ऊपर स्ट्रक्चर थे, उसमें सारी बड़ी बड़ी मशीनें थी, यहाँ देखिए नीचे मशीन गिरी है, यहाँ ऊपर सारी बड़ी बड़ी मशीनें गिरी है, सारे मोटर लाखों रुपया के मोटर जो हैं वो सारे नदी में, और वो जो परकुलेशन टैंक हो गया टेढ़ा, उसके ऊपर जो दो घुमटियाँ थी वो भी गिर गई, और जो ऊपर उसके पीछे जो स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, मुझे नहीं मालूम क्या करेंगे इस बिल्डिंग के अंदर में, इस बिल्डिंग के अंदर में भी नीचे से सारा पानी चले गया है, अंदर वाला जो फर्श है वो नीचे खोखला हो गया है, वो पिलर के ऊपर जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या ये ऐसे ही हुआ? हमने पहले भी देखा है यहाँ 2005 में पानी सब्जी मंडी में आ गया था नर्सरी में, जबकि उस वक्त पानी इससे ज़्यादा था, गुशैनी बाज़ार पूरा बह गया था, आधा से ज़्यादा उस वक्त बाली चौकी बहुत से घर गए थे। ये जो मंदिर का पुल है हमारा, ये जो पुल है यहाँ से पीछे कुंदन का, यहाँ के मंदिर के ऊपर पानी आ रहा था उस वक्त, इस बार तो उस लेवल तक पानी नहीं पहुँचा, परंतु ये नुकसान कैसे हुआ? निश्चित तौर पर जो ये स्ट्रक्चर बनाए हम, इन ढांचों पर ध्यान दीजिए, ये अवैज्ञानिक तरीके से स्ट्रक्चर बनाए गए, और ख़ासकर जो ये जल शक्ति विभाग के इस तरह के लिफ्ट इरीगेशन पंप जो है, ये जो नई स्कीम आई है भारत सरकार की, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं, आज प्रदेश में बहुत सारी स्कीमें जो हैं उस तरह की बह गई। ये परकुलेशन टैंक जो है देखना चाहिए, रिवर बेसन में बनाओगे तो नुकसान होगा ही भाई, इसको दूर बनाना चाहिए था, वो किस इलाके के लिए डिज़ाइन हुआ है ये समझे बगैर हर कहीं ये टेक्नोलॉजी फिक्स कर रहे हैं, और ये जो इस तरह के अनसाइंटिफिक काम हो रहे हैं उसके वजह से ये सब नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज एक लाखों रुपया का मेरा ख्याल मशीनें ही चले गई हैं, स्ट्रक्चर अलग गए हैं, फिर से अगर इस दीवार को भरना है तो कितना मलबा कितना भरना पड़ेगा, और अगली तरफ को तो सब्जी मंडी का एक पोर्शन चले ही गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जो बार बार कुल्लू में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कुल्लू से मनाली तक जो है तटबंधीकरण किया जाए, ये असर होगा देख लीजिए, क्योंकि नदी तो भाई नियंत्रित नहीं हो सकती, ये नदी को नियंत्रित करना छोड़ो, बार बार कह रहे हम, यू कैन नॉट टेम द रिवर, आप उसके लिए जगह खुली छोड़ो, परंतु आपके स्ट्रक्चर और ढांचे उसके लिए क्या इंजीनियरिंग हो सकती है उस पर बात करो अच्छे से, कैसे आपके स्ट्रक्चर टिके हैं। दुनिया में और जगह भी फ्लड आते हैं, वहाँ क्यों नहीं बहती चीज़ें? हम लापरवाही से काम करते हैं,
टेक्नोलॉजी का ठीक प्रयोग नहीं करते। टेक्नोलॉजी टेक्निकल आदमी के बजाय पॉलिटिकल लोगों की ज़्यादा चलती है डेवलपमेंट वर्क्स में, और जो अनसाइंटिफिक लोग होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हैं, उसका परिणाम निकलता है। और विज्ञान को हमने दरकिनार करके सिर्फ राजनीति करना शुरू किया है। और इन सब स्ट्रक्चरों में अब अगर करोड़ों रुपया इन्होंने स्ट्रक्चरिंग इन स्ट्रक्चरों के लिए फिर से विदेशों से लोन लेना है, जो मुझे शक है कि तटबंधीकरण के नाम पर विदेशों से फिर लोन लिया जाएगा, उसमें बधेरे लोगों का फायदा है, नेताओं का, ठेकेदारों का, अफसरों का। और परंतु जो असली समस्या है, हमारी मूल समस्या है, वो हल नहीं होगी। यहाँ देखिए सामने इसी नदी के सामने एक छोटा सा क्रेट बार लगा है, वो नहीं गया, परंतु ये जो इन्होंने लगाया आरसीसी का, उसके अंदर से सारी खाई चले गई। ये नुकसान होता है देखो ये इंजीनियरिंग का, इसलिए इस बात को जरूर सब समझेंगे और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद।